Good morning, everyone. Today we are going to discuss the topic standing wave flume. Basically, standing wave flume is a flume in which standing waves are formed on the downstream side. Or simply we can say that on the downstream side, the level of the water rises up or stands up. Or in the simple language, we can say that it is nothing but a hydraulic jump. Okay, it is a hydraulic jump. The flume in which on the downstream side the hydraulic jump forms are known as standing wave flume. Okay, so in the study of standing wave flumes, we achieve the transition in channel. Transition channel matlab iske andar channel ke andar jo hamara decrease hai, transition of channel humne padha tha ki jiske andar hamare do ya do se zyada hamare cross section areas hamare pass aate hain. So if we achieve the transition in channel by the reduction of width, iski इनलेट की जो विड्थ है, हमारी चौड़ाई है, इस चौड़ाई को अगर हम रिड्यूस करके हम ट्रांजिशन कर्व लेकर आते हैं तो ये हमारा जो होगा ट्रांजिशन, इट इज़ फर्दर असिस्टेड बाय द रिडक्शन इन द डेप्थ ऑफ फ्लो. इट इज़ फर्दर असिस्टेड बाय द रिडक्शन इन द डेप्थ ऑफ फ्लो. यानी कि इधर से तो हमारी विड्थ हमारी रिड्यूस हुई आगे. अब इस विड्थ के अंदर जो पानी के लेवल है, जो पानी के लेवल है ओपन चैनल के अंदर हमारा फ्लो हो रहा है. अब इस फ्लो के अंदर जो हमारे फ्लो के जो डेप्थ है उस डेप्थ को भी हम रिड्यूस करेंगे. और वो हम कैसे रिड्यूस करेंगे, वो हम रिड्यूस करेंगे बाय प्रोवाइडिंग द हम्प. बाय प्रोवाइडिंग द हम्प. अब सपोज कीजिए कि ये हमारा एक चैनल है, ये चैनल हमारा इसके अंदर पानी हमारा फ्लो हो रहा है, कोई फ्लूड इसके अंदर हमारा फ्लो हो रहा है. अब इस फ्लूड के अंदर ये हमारा ट्रांजिशन इस पॉइंट पर स्टार्ट होता है, ठीक है, इस पॉइंट पर हमारा ट्रांजिशन जो है स्टार्ट होता है. तो इतने एरिया के अंदर, देखिए एरिया के अंदर हमने एक हम्प प्रोवाइड कर दिया. ओके, इसे इतने एरिया के अंदर हमने एक हम प्रोवाइड कर दिया. तो अब पीछे से जो इनलेट से जो वाटर आ रहा है, जो कोई फ्लूड आ रहा है, वो फ्लूड का लेवल ऊपर से इतना होगा. आगे आने के बाद इधर से हमारे पास फ्लूम था, इस फ्लूम के थ्रू हमारा पानी का लेवल रिड्यूस हुआ. यहाँ पे हमने नीचे की साइड से हमने एक हम्प लगा दिया, तो हमारी यहाँ तो हमारी विड्थ रिड्यूस हुई और इस हम्प पोजिशन में हमारी डेप्थ ऑफ फ्लो रिड्यूस हुई. अभी डेप्थ ऑफ फ्लो रिड्यूस होने के बाद पानी आगे जाएगा और यहाँ से हमारी जंप स्टार्ट होगा. कैसा होगा, ये जंप स्टार्ट होगा, यानी कि हाइड्रोलिक जंप स्टार्ट होगा. और उसके बाद हमारा सिमिलर आगे फ्लो ऐसे हो जाएगा जैसे फ्लो हमारा पीछे की साइड था. सो वी कैन से दैट व्हेन द फ्लूड इज फ्लोइंग ओवर द हम्प, इट्स डेप्थ विल रिड्यूस एंड द फ्लो विल बिकम द क्रिटिकल एंड ऑन गोइंग फर्दर इट बिकम्स सुपर क्रिटिकल. ओके, इट मीन्स यहाँ पे जो हमारा इस लोकेशन पर, इस पॉइंट से लेके, या जो हमारे पीछे पॉइंट आ रहा था उस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जो हमारा फ्लो था, ये हमारा फ्लो था सब क्रिटिकल फ्लो. ये हमारा सब क्रिटिकल फ्लो था. उसके बाद जो हमारा फ्लो हम्प के ऊपर आया, इस हम्प के ऊपर वाले फ्लो को हमने बोल दिया ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्रिटिकल फ्लो हो गया. अब इस हम्प से जो हमारा पानी आगे फर्दर आगे फ्लो किया, ये हमारा लोकेशन आती है सुपर क्रिटिकल फ्लो की. ये होता है हमारा सुपर क्रिटिकल फ्लो. अब सुपर क्रिटिकल फ्लो के बाद हमारा आता है जंप, हाइड्रोलिक जंप, और इस जंप के बाद ही अगेन सब क्रिटिकल फ्लो हमारा स्टार्ट हो जाता है. ओके, और ये इतनी चेंजेस हमारी क्यों होती हैं, क्यों, क्योंकि जो हमारा पीछे से फ्लो आ रहा है वो हमारा सब क्रिटिकल फ्लो है. और जब ये सब क्रिटिकल फ्लो हमारा हम्प के ऊपर से पास करता है तो इट विल रिड्यूस इट्स स्पेसिफिक एनर्जी. वो अपनी क्या करता है, स्पेसिफिक एनर्जी रिड्यूस करता है. और जब स्पेसिफिक एनर्जी रिड्यूस करता है तो हमारा सब क्रिटिकल से क्रिटिकल एंड क्रिटिकल से देन सुपर क्रिटिकल में हमारा ट्रांसफर हो जाता है. सो वी कैन से दैट द मेन कंसेप्ट ऑफ स्टैंडिंग वेव फ्लूम एक्सपेरिमेंट इज टू डिटरमाइन द सीडी वैल्यू. Now CD is coefficient of discharge value. So coefficient of discharge value we can calculate by using the similar formula. CD equals to Q actual upon Q theoretical. अब now Q actual क्या है, Q actual हमें पता था कि हमारा actual discharge होता है जो हमने channel के अंदर supply किया. अब इसको calculate करने के लिए हमारे पास formula है कि Q actual equals to CD A1 A2 under root 2GH whole upon under root A1 square minus A2 square. Whereas अब ये A1 क्या है, A1 is the area of pipe, A2 is the area of orifice. ओके, जिस orifice से हमारा पानी इसमें एंटर कर रहा है. अभी हम ये सारी जो हमारी कैलकुलेशन है, ये सारी कैलकुलेशन हमारी लेबोरेटरी के अंदर है, क्योंकि हम, चलिए इसको हम बाद आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है. ये H जो है हमारा मैनोमीटर हेड है. ओके, और CD हमारा प्री डिफाइंड कॉफिशेंट ऑफ डिस्चार्ज ऑफ ऑरिफिस. ओके, अब ये हमारा क्यू एचल हो गया. अब क्यू थ्योरेटिकल क्या है हमारे पास, क्यू थ्योरेटिकल है हमारे पास बी इंटू एच टू द पावर 3/2. B इज़ द विड्थ ऑफ चैनल, कौन सी वाली विड्थ, ये विड्थ वाली है आपकी इनलेट वाली विड्थ.
और एच है हमारा हेड मेजर्ड ओवर द हम्प, एक इनलेट का हेड और हमारा हम्प के ऊपर जो हेड था, इन दोनों का डिफरेंस, ये क्या हमारा कैपिटल एच, इसकी पावर 3/2, ये आ जाता है हमारा क्यू थ्योरेटिकल। नाउ हमें एक सी डी की वैल्यू निकालनी है, तो सी डी के लिए हमारे पास फॉर्मूला आता है जो कि हमने पीछे पढ़ा था कि सी डी इक्वल्स टू क्यू एक्चुअल अपॉन क्यू थ्योरेटिकल। ओके, तो ये हमारा होता है आपका स्टैंडिंग वेव फ्ल्यूम। ओके, थैंक यू सो मच।